पर्यटक जब हिमाचल आते हैं तो गूगल या अन्य सर्च इंजन पर यहाँ की खूबसूरत जगहों को तलाशते हैं इन्हीं जगहों में से एक है नाको गांव, और इसी गांव में स्थित है खूबसूरत नाको झील अब गर्मी हो या सर्दी हर मौसम में आप नाको झील में आनंद ले पाएंगे ना केवल देखने का बल्कि झील में उतरने का भी अब आप काजा या स्पीति की ओर जाने से पहले इस सुंदर जगह पर समय व्यतीत कर पाएंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में अब यहाँ पर बोटिंग शुरू हो चुकी है सर्दियों के मौसम में नाको झील जम जाती है ऐसे में यहाँ पर स्की खेलों का आयोजन होता है लेकिन गर्मियों के मौसम में पर्यटक सिर्फ इस झील को निहारने आते थे लेकिन अब बोटिंग का भी आनंद उठा सकेंगे जिला किन्नौर के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है नाको गांव पर्यटन की दृष्टि से गूगल मैप पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला इलाका है ऐसे में इस गांव के मध्य स्थित प्राकृतिक नाको झील पर्यटकों की पहली पसंद रहती है ये पहली बार है जब नाको झील में बोटिंग करवाई जा रही है यहाँ स्थानीय बौद्ध धर्मगुरु सोवांग रिपोचछे के द्वारा बोट दिए गए हैं इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि गाँव के युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे तो अगर आप हिमाचल आने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर गर्मी के इस मौसम में नाको गांव आए और यहाँ बोटिंग का आनंद लें तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है के से एक लिया गया है कि टूरिज्म को यहां प्रमोट किया जाए बहुत पहले भी होता था पर अभी जिस तरह से बोटिंग और बाकी एक्टिविटीज़ और विंटर में हमें पता लगा कि आइस स्केटिंग की कुछ एक्टिविटीज़ नाको झील में होनी है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और सुमंग सिंह बोचे का हम बहुत आभारी हैं उनके आशीर्वाद से ये चीज़ें चलेगी और जिस तरह टूरिज़्म का यहाँ पर फ्लो है काजा स्पीति जाते हुए तो नाको आज तक एक सिर्फ हॉल्ट स्टेशन रहा है मे बी पॉसिबल आने वाले दिनों में टूरिस्ट यहाँ अपना दिन बिताएंगे और मेडिटेशन वाइज जैसे आपका यहाँ से ऊपर सोमंस का एरिया है वो एक मेडिटेशन के लिए बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है मतलब जिसमें मिले रापा जी का स्टोरी और कई चीज़ें इसमें इशू आते हैं तो इन सब को मध्य में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि नाको एक बहुत प्रोमिनंट डेस्टिनेशन किन्नौर का बने और ज़िला किन्नौर के जो टूरिज़्म एसोसिएट्स हैं मैं उसका प्रधान हूँ तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि रे मच्छे के आशीर्वाद से इन चीज़ों को हम आगे फ्लोरिश कर सकें धन्यवाद